नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। फैट टू फिट का परम लक्ष्य आपके मोटापे को घटाना, मांसपेशी को बढ़ाना और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में आपकी सहायता करना है। न्यूट्रिशन बेसिक कोर्स के चौथे अध्याय में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। साइंटिफिकली मेटाबॉलिज्म को दो हिस्से में भागा जाता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म अर्थात बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ताकि इसका उपयोग शरीर द्वारा किया जा सके। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम की मौजूदगी में मुंह में ही शुरू हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश डाइजेशन पैनक्रियाटिक अमाइलेज की उपस्थिति में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स या फिर ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये ग्लूकोज या तो हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है या फिर ग्लाइकोजन के रूप में तब्दील होकर लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। यदि लिवर और मसल्स दोनों ही भरे हुए हों तो ये अतिरिक्त ग्लूकोज फैट्स में परिवर्तित होकर चर्बी के रूप में जमा हो जाता है। कुछ प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। यहां बैक्टीरिया इसको फैटी एसिड्स और गैसेस में परिवर्तित कर देते हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज को आगे तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। अगर यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो तो पाइरूवेट और एनर्जी प्रदान करती है। जैसे आप लो इंटेंसिटी कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं तो यही प्रक्रिया काम आती है और आपको निरंतर ऊर्जा प्रदान करती रहती है। परंतु अगर ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। ये तब होता है जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और यही कारण है कि आपका शरीर इस टाइप की ट्रेनिंग में बहुत ही जल्दी थक जाता है। एक अन्य प्रक्रिया भी होती है जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है, जहां शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़कर ग्लाइकोजन उत्पन्न करते हैं। ये ग्लाइकोजन हमारे लिवर और हमारे मसल्स में स्टोर हो जाते हैं। हमारा लिवर 100 ग्राम ग्लाइकोजन या 400 कैलोरी स्टोर कर सकता है और मसल्स 400 ग्राम ग्लाइकोजन या 1600 कैलोरी स्टोर कर सकता है। मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की उच्च मात्रा उसके आकार को बड़ा बनाने में सहायता प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से अभी के लिए फिलहाल इतना समझना काफी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जैसे शब्दों से आपका परिचय करवाएंगे। कोर्स को पूरा समझने के लिए सारे अध्याय को ध्यान से देखें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।